नमस्कार दोस्तों, आपका स्ट्रेट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। इससे पहले वाला जो 8th लेक्चर था दोस्तों, उसमें हम बात कर रहे थे जो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स हैं और उसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि टाइगर रिजर्व्स के बारे में बात की थी कि एमपी के टाइगर रिजर्व्स क्या हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि एमपी के ऐसे कौन से नेशनल पार्क हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आते हैं। उसके अलावा कुछ हम लोगों ने एमपी में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का काम करते हैं तो उन निगम के बारे में देखा था। उसके अलावा हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी देखा था लोकवाणी की। आज का ये जो लेक्चर है ये पुराने लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही है और इसमें बस हम सिर्फ आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे जो एमपी में अभी प्रेजेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमपीपीएससी एस्पायरेंट्स एंड स्पेशली एस्पायरेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन दी प्रिलिम्स। मतलब ये प्रिलिम्स के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आप इसमें से मेंस के लिए भी अपने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये 2018 एज वेल एज 2019 दोनों ही एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, तो इसीलिए आप इत्मीनान से इसको देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो है इस स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है एमपीपीएससी प्रिलिम्स का सिलेबस, ठीक है। और इस जो ये प्रिलिम्स का सिलेबस है इसमें अभी मैं ये वाला पोर्शन कवर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी। दोस्तों, इस स्लाइड पर आप देख सकते हो कि अभी तक मैंने कितने YouTube पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं और किस किस पोर्शन में, ठीक है। ये सारे जो हैं लेक्चर सीरीज हैं, ये जो सारी लेक्चर सीरीज हैं वो एमपीपीएससी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और जिन लोगों ने जो भी लेक्चर्स नहीं देखे वो इसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए। एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न, इसके ऊपर 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं एंड दिस वन इज गोइंग टू बी 9th। तो दोस्तों, जो हमने 8th है या जो 9th लेक्चर है इसमें अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, नेशनल पार्क सेंचुरीज, फिर डिफरेंस देखा था, प्रोजेक्ट टाइगर देखा था, नेशनल पार्क अंडर प्रोजेक्ट टाइगर देखे थे हम लोगों ने, नेशनल पार्क इन एमपी देखे थे। आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे मेन सेंचुरीज ऑफ एमपी एंड प्रिलिम्स कैप्सूल के बारे में। तो दोस्तों, ये लेक्चर में हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एमपी की मेन सेंचुरीज है उनके बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले हम प्रिलिम्स के लिहाज से सीधा काम की बात करते हैं, टू द पॉइंट वाली बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सेंचुरी है और वो किस डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसके बाद हम इन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट सेंचुरीज के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पंचमढ़ी, जो पंचमढ़ी की सेंचुरी है, पंचमढ़ी तो नेशनल पार्क के तौर पर भी है, तो जो पंचमढ़ी की नेशनल सेंचुरी है वो है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बोरी सेंचुरी कहां पे है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और जो बोरी सेंचुरी है इट इज अ पार्ट ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ओनली, ठीक है। उसके बाद फैन सेंचुरी जो है वो है मंडला में, फैन कहां पे है, मंडला, ठीक है, फैन है मंडला में। दुर्गावती जो सेंचुरी है, अब दुर्गावती जी जो थी जबलपुर से हिल करती थी तो ये जबलपुर में है दुर्गावती सेंचुरी। घाटीगांव सेंचुरी और जिसको आप सोन चिरैया भी के नाम से जानते हैं वो ग्वालियर में है, घाटीगांव जी फॉर जी, घाटीगांव कहां पे है, ग्वालियर में है। चंबल सेंचुरी जो है वो कहां पे है, मुरैना में है। चंबल सेंचुरी कहां पे है, मुरैना, ठीक है, चंबल के डाकू मुरैना उससे रिलेट कर लेना। रला मंडला जो है वो इंदौर में है, रला मंडला जो सेंचुरी है वो स्मॉलेस्ट सेंचुरी है एमपी की, ठीक है। रला मंडला सेंचुरी कहां पे है, इंदौर में, रला मंडला, ठीक है, रला मंडल सेंचुरी जो है वो इंदौर में है। सैलाना और खरमुर ये है रतलाम में, कौन सी, सैलाना कहां पे है, रतलाम में। गांधी सागर जो है वो है मंदसौर में, कहां पे, गांधी सागर मंदसौर में है। बगदारा जो सेंचुरी है, बगदारा सेंचुरी वो है सीधी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सीधी डिस्ट्रिक्ट में। संजय जो सेंचुरी है वो है भी सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। सोन सेंचुरी भी सीधी शहडोल में ही है, पड़ती है ये। पनपत जो सेंचुरी है वो है शहडोल में, पनपत शहडोल में है। केन सेंचुरी है पन्ना और छतरपुर के दोनों ही रीजन में पड़ती है केन सेंचुरी, ठीक है। और गंगुआ जो सेंचुरी है वो है पन्ना में, ठीक है। तो केन और गंगुआ हो गई अपनी पन्ना में, उसके अलावा हम लोगों ने देखी थी सोन और पनपत, ये क्या है, शहडोल में भी पड़ती है और सीधी में थोड़ी बहुत है। उसके अलावा हमने सीधी में देखी और भी दो सेंचुरीज, बगदारा और संजय। उसके अलावा सैलाना जो है वो रतलाम में है और गांधी सागर मंदसौर में है, ठीक है। पंचमढ़ी होशंगाबाद, बोरी होशंगाबाद, फैन कहां पे, मंडला में, दुर्गावती जबलपुर में। अच्छा, आगे कुछ और सेंचुरीज जैसे कि खियोनी, खियोनी है देवास में, खियोनी जो है देवास डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नरसिंहगढ़ जो पड़ती है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नौराय देही जो सबसे बिगेस्ट सेंचुरी है ये पड़ती है सागर में, कहां पे, सागर में। कूनो पालमपुर कहां पड़ती है, शिवपुर में, कूनो पालमपुर कहां पे पड़ेगी, शिवपुर में।
पेंच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वो पड़ती है सिवनी और छिंदवाड़ा में। पेंच टाइगर रिजर्व भी है, पेंच नेशनल पार्क भी है। पेंच जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पड़ती है सिवनी छिंदवाड़ा में। रातापानी जो सेंचुरी है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में भी आती है वो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। सिंधूरी जो है वो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ये जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है वो भोपाल के पास है। सरदारपुर जो सेंचुरी है वो है धार में। कहाँ पे? धार। मानधाता सेंचुरी है अपनी, जिसको हम ओमकारेश्वर के नाम से भी जानते हैं, खंडवा में। सुरमनिया, सुरमनिया कहाँ पे है? ये भी खंडवा में है। काठीबाड़ा अलीराजपुर में है। मयूर झाबुआ में है। कामधेनु गांव सेंचुरी अगरमालवा में है। ओरछा टीकमगढ़ में है। करेरा शिवपुरी में है। और कालीभीत ये बैतूल में है। अभी ये जो कालीभीत है ये अभी सेंचुरी बनी नहीं है, ये प्रपोज्ड है कि ये सून इट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड फॉर क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। खेवनी जो है वो है देवास में या सीहोर में, मतलब इन दोनों में पड़ती है। नरसिंहपुर राजगढ़ में। नौरादेही सागर में। और ये जो नौरादेही है वो बिगेस्ट सेंचुरी है। कूलो पालमपुर श्योपुर में है। पेंच सिवनी और छिंदवाड़ा में है। रातापानी रायसेन में है। सिंधूरी रायसेना में है। सरदारपुर धार में है। मानधाता खंडवा में है। सुरमनिया खंडवा में है। काठीबाड़ा अलीराजपुर में है। मयूर झाबुआ में है। कामधेनु गांव सेंचुरी अगरमालवा में है। ओरछा टीकमगढ़ में है। और करेरा शिवपुरी में है। तो यहाँ पे आप इन सबकी लोकेशंस देख सकते हो। जैसे घाटी गांव ग्वालियर में है, जैसे अभी मैंने बताया चंबल सेंचुरी ये कहाँ पे है? मुरैना के पास में है। ठीक है, फिर आपकी ये हो गई आपकी करेरा सेंचुरी शिवपुरी में है। आप ये देख सकते हो पन्ना जो है वो टीकमगढ़ के पास है। पन्ना सेंचुरी भी यहाँ पे, केन सेंचुरी भी यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए ये जो पिंक वाले हैं वो हैं आपके सारे नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, और जो ये रेड वाले हैं वो आपकी सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, सोन घड़ियाल हो गई यहाँ पे, पनपत सेंचुरी ये रही आपकी, नरसिंहपुर सेंचुरी ये रही, नरसिंहगढ़ सेंचुरी जो जिसके बारे में हमने बात की थी, सैलाना जो सेंचुरी है वो आपकी यहाँ पे रही। ठीक है, रतलाम में। उसके बाद खारमौर सेंचुरी, सरदारपुर सेंचुरी, खेवनी सेंचुरी और ये आपकी बोरी सेंचुरी। तो आप इस तरीके से आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। आप 1 मिनट स्टॉप लीजिए और इन सारी सेंचुरीज को देखिए। अब हम बात करते हैं, जो भी हमने सेंचुरीज के बारे में बात की है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो गांधी सागर सेंचुरी है वो पड़ती है नदन बाउंड्री ऑफ मंदसौर एंड नीमूच डिस्ट्रिक्ट में। आप इसकी यहाँ पे लोकेशन देख सकते हो कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो ये नदन पार्ट में पड़ती है, नदन बाउंड्री बनाती है मंदसौर और नीमूच डिस्ट्रिक्ट की। इसका जो एरिया है वो है कितना? 368 किलोमीटर स्क्वायर। 368 किलोमीटर स्क्वायर। ये राजस्थान से भी ज्वाइन होती है ये वाली सेंचुरी। ये नोटिफाई की गई थी 1974 में और इसमें और एरिया जोड़ दिया गया था 1983 में। उसके अलावा चंबल नदी है वो इस सेंचुरी से पास करती है, और वो इस सेंचुरी को इस तरीके से पास करती है कि वो इसको डिवाइड करती है। तो अगर ये सेंचुरी है तो इसको डिवाइड कर दिया है। जो इसका वेस्टर्न पोर्शन होगा वो नीमच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ईस्टर्न पोर्शन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, और इसका जो इको रीजन है इज दैट ऑफ काठियावाड़ गिर ड्राइड डेसीडुअस फॉरेस्ट। मतलब जो इसका जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वो इसका पार्ट है, काठियावाड़ गिर ड्राइड डेसीडुअस फॉरेस्ट का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो ये सेंचुरी है यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस की प्लेसेस है। जैसे कि आप जानने के लिए जान सकते हैं, चौरासीगढ़ यहाँ पे पड़ता है, चतुर्भुजनाथ यहाँ पड़ता है, फिर भड़काजी रॉक पेंटिंग्स है यहाँ पे, नरसिंह जार है यहाँ पे, हिंगलज गढ़ फोर्ट है यहाँ पे, और टक्सेश्वर टेम्पल भी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी गांधी सागर। याद रखना नीमूच और क्या कहते हैं मंदसौर के पास पड़ती है, 1974 में डिक्लेयर हुई थी। एरिया है 368.62 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में या फिर वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में। ये जो सेंचुरी है, जब आप शिवपुरी से झांसी की तरफ जाओगे, शिवपुरी से जब आप झांसी, शिवपुरी यहां कहीं पड़ता है और यहां से आप झांसी की तरफ जा रहे हो, तब ये सेंचुरी पड़ती है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हो, ये रही आपकी करेरा क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, उसके अलावा ये जो है क्या कहते हैं बर्ड वॉचिंग के लिए काफी, मतलब यहाँ की आप बर्डों को देख सकते हो, ये बेस्ट प्लेस है सेंट्रल इंडिया में फॉर बर्डिंग, मतलब चिड़ियों के लिए बेस्ट प्लेस है। उसके अलावा यहाँ पे इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा ये स्टैब्लिश हुई थी 1981 में। इसका टोटल एरिया है 202 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो आती है मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके अंडर में आती है? फील्ड डायरेक्टर ऑफ माधव नेशनल पार्क इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है कहीं पे, तो माधव नेशनल पार्क के जो
वो है क्या कहते हैं फील्ड डायरेक्टर, उनके अंडर में ये आती है। यहां से आप इसकी लोकेशन देख सकते हो। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस सेंचुरी को आप कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हो, या फिर पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, या फिर सिर्फ और सिर्फ कूनो पालपुर के नाम से भी ये फेमस है। ये पड़ती है शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे पड़ती है? शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में। लोकेशन कहां है आप यहां पे देख सकते हो, ये रहा आपका एमपी, और ये एमपी के में शिवपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ती है। ठीक है, और ये शिवपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न, और ये आप देख रहे हो ये नॉर्थ हो गया एमपी का, और ये वेस्टर्न पोर्शन में पड़ती है, तो इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पड़ती है। ये सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर से 200 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये फिर से काठियावाड़ गिल ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट का पार्ट बनाती है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, क्या कहते हैं ये एक सेकंड देख लेते हैं, गांधी सागर सेंचुरी के बारे में, तो सिमिलरली ये भी काठियावाड़ गिर ड्राई डेसीड्यूस फॉरेस्ट का पार्ट बनाती है। एज फार एज एरिया की बात करें तो इसका एरिया पहले जब ये डिक्लेयर हुई थी 1981 में, तब था 344.68 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1981 में, लेकिन बाद में इसका जो एरिया बढ़ा दिया गया था, और बढ़ा के कितना कर दिया, 900 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और 900 किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसके में हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पे वुल्फ देख सकते हो, मंकीज देख सकते हो, लियोपार्ड देख सकते हो, और नील गाय देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं फेरल जेबू कैटल भी घूमती है, बहुत ज्यादा फेमस कैटल है यहाँ की। और उसके अलावा आप इसमें ये बात याद रखना कि हाँ, ये वाली जो सेंचुरी है ना, यहाँ पे एक बात की गई थी कि यहाँ पे कुछ एशियाटिक लायंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, एशियाटिक लायंस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन बाद में ये जो प्रपोजल था उसको होल्ड पे रख दिया था। तो बस इतना जानना जरूरी है, कब एस्टेब्लिश हुई, 1981 में, एरिया है 900 किलोमीटर स्क्वायर, और पड़ती कहाँ पे, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में, शिवपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि, और इसकी अगर लोकेशन बात करें तो ये ग्वालियर से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है चंबल घड़ियाल सेंचुरी। चंबल घड़ियाल सेंचुरी, चंबल घड़ियाल सेंचुरी को नेशनल चंबल सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, और ये किस लिए बनी थी, जो चंबल नदी का एक प्रिस्टाइन इकोसिस्टम है, मतलब जो एकदम रिलीजियस इकोसिस्टम है, उसको सेफ करने के लिए, उसको बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ देखने को मिलेगी, जैसे गंगा रिवर डॉल्फिन, क्रोकोडाइल भी देखने को मिलता है जिसको मगर कहते हो आप लोग, घड़ियाल भी कहते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है गवालिया, गवालिया गंगा टीकस। ठीक है, उसके बाद फ्रेश वाटर टर्टल्स मिलते हैं, ऑटर्स मिलते हैं, और बहुत सारी फिशेस भी मिलती हैं। जो क्रोकोडाइल सेंटर है देवरी में, मुरैना में, इज द ओनली प्लेस ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर स्टेट। जो क्रोकोडाइल सेंटर है देवरी मुरैना में, ये अपने आप में एक अनोखी जगह है पूरे एमपी में। उसके अलावा यहाँ पे इस सेंटर पे क्रोकोडाइल्स को ब्रीड और रिहेबिलिटेट भी किया जाता है, उसके अलावा घड़ियाल्स को भी ब्रीड और रिहेबिलिटेट किया जाता है। यहाँ पे रेयर गंगा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है, जो कि मेन अट्रैक्शन है, और जो डॉल्फिन है उसको क्वीन ऑफ चंबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो ये गंगा डॉल्फिन है ना, उसको क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ चंबल के नाम से जानते हैं। तो एक तो आपको इसकी लोकेशन जानना जरूरी है, इसकी लोकेशन कहां पे है, ये मुरैना के पास पड़ता है। ठीक है, कहां पे, मुरैना पे के पास पड़ता है, और यहां पे क्रोकोडाइल घड़ियाल वगैरह वगैरह पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जिसका नाम है अचानकामार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अचानकामार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और उसके अलावा ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। ठीक है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया में, जैसे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो उसमें से एक है अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इसी का पार्ट है। ये जो अचानकमर बोल देते हैं इसको, ठीक है, अचानकमर, तो अचानकमर जो है वो अनूपपुर और देवदारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पे, अनूपपुर और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके अलावा ये जो है पूरा का पूरा एमपी में नहीं पड़ता है, इसका थोड़ा बहुत पार्ट छत्तीसगढ़ के पोर्शन में भी पड़ता है। ये 1975 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे लियोपार्ड, बंगाल टाइगर, गौर, चीतल और स्ट्रिप्ड हाइना, जैकाल, नील गाय, सांभर, चिंकारा, ये सारी चीजें, सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है केन घड़ियाल सेंचुरी। केन घड़ियाल सेंचुरी की लोकेशन है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। छतरपुर कहां पे पड़ता है, यहां पे देख सकते हो, यहां पे छतरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये जो है ये खजुराहो टेंपल्स और पन्ना नेशनल पार्क के बहुत पास में ही है। खजुराहो टेंपल आप वैसे ही जानते हो, चंदेला रूलर्स ने बनवाया था, काफी फेमस है, और पन्ना नेशनल पार्क के पास में पड़ता है। यहां पे ये जो है ये लोकेटेड है जहां पे केन नदी और खुडार नदी, केन और खुडार,
ये जो नदी मिलती है ना, ये उसके पास में ही है। और यहाँ पे एक ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया था किसके लिए, घड़ियाल्स के लिए, कि घड़ियाल्स की जो पॉपुलेशन कम होती जा रही थी ना, रेयर रेप्टाइल ब्रीड, तो उसको यहाँ पे ब्रीड किया जा रहा था अंडर दी कंट्रोल्ड कंडीशन, सो दैट उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। उसके अलावा ये जो घड़ियाल है, इनकी क्या बहुत लंबी ऐसे नाक टाइप की होती है, एलोंगेटेड स्नाउट्स होते हैं इनके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ की जो बर्डे हैं वो भी काफी फेमस हैं। उसके अलावा यहाँ पे शाहीन फेलकॉन पाई जाती है, कौन सी, शाहीन, शाहीन फेलकॉन पाई जाती है, ठीक है। तो आपको मेन क्या याद रखते हैं, केन घड़ियाल जो सेंचुरी है वो कहां पड़ती है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये खजुराहो टेम्पल्स और पन्ना नेशनल पार्क के पास है, एज वेल एज इट इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ केन एंड खुदार रिवर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी, वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भैया यहाँ पे तो दुर्गावती जी का नाम आ गया, तो वैसे ही आपको थोड़ी बहुत तो चीजें क्लियर हो ही गई होंगी कि जबलपुर के आसपास की जगह की बात हो रही है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दमोह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एमपी के दमोह डिस्ट्रिक्ट में, और ये रानी दुर्गावती के नाम पे रखा गया था एज एविडेंट, ओके। और ये जो रानी दुर्गावती थी वो गोंडी लोगों की, जो गोंडी यहाँ पे ट्राइब है उनकी क्वीन थी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका, अगर एरिया की बात करें तो सिर्फ इसका एरिया है 24 स्क्वायर किलोमीटर जब इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, 24 स्क्वायर किलोमीटर। और ये नोटिफाई कब किया गया था, 1996 में, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1996। और उसके अलावा एरिया है 24 किलोमीटर स्क्वायर। उसके अलावा ये पड़ती है कहाँ पे, दमोह डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट दमोह में तो पड़ती है, उसके अलावा ये जो ये है ये जो डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये भले ही छोटी सी सेंचुरी है, जो स्टेट हाईवे 36 है इसके दोनों तरफ पड़ती है, और इसके आर पार, मतलब एक तरफ दमोह पड़ता है और दूसरी तरफ जबलपुर पड़ता है। यहाँ पे कम से कम 18 स्पीसीज ऑफ मैमल देखने को मिलती है, जैसे लियोपार्ड, वुल्फ, जैकाल, इंडियन फॉक्स, हाइना और स्लॉथ बियर। उसके अलावा कुछ डियर्स भी देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे 177 टाइप की बर्ड्स, 16 टाइप की फिश और 10 टाइप के एम्फीबियंस। तो आप यहाँ से इसकी बायोडाइवर्सिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि इतने सारे इतने छोटे एरिया में इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। उसके अलावा इसका वेरी लैंडस्केप है। और अगर हम यहाँ के वेजिटेशन की बात करें, जो पेड़ पौधे लगते हैं उनकी बात करें, तो वो ट्रॉपिकल मिक्स ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मिक्स ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट है। और कुछ टीक फॉरेस्ट भी हैं, ठीक है, बस इतना ही। और यहाँ पे एक और बात याद रखना है, यहाँ पे सिंगौरगढ़ फोर्ट पड़ता है, कौन सा, सिंगौरगढ़ फोर्ट पड़ता है, ठीक है। तो वीरांगना दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दमोह डिस्ट्रिक्ट, 24 किलोमीटर स्क्वायर, 1996, दमोह और जबलपुर के बीच में पड़ता है। दिस नीड टू बी रिमेम्बर्ड। अच्छा, सोन घड़ियाल सेंचुरी की बात बात कर लेते हैं। ये जो है, ये जो सोन नदी है उसके आसपास का एरिया में पड़ता है। उसके अलावा ये प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कब डिक्लेयर किया गया था, 1981 में, और ये स्पेशली घड़ियाल को प्रोटेक्ट और ब्रीड करने के लिए किया गया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और, घड़ियाल के अलावा कुछ और भी जानवर मिलते हैं, जैसे एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स। यहाँ पे कुछ टर्टल्स की रेयर स्पीसीज देखने को भी मिलती हैं। तो अगर आप इसके लोकेशन की बात कर रहे हो कि सर इसकी लोकेशन कहाँ है, तो आप यहां पे देखिए, सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केन घड़ियाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, उसके अलावा करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम लोग बात कर चुके हैं, घाटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पे है, गांधी सागर के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, कि कूनो पालमपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात की थी तो वो यहां पे रहा, ठीक है। ये मैंने मैप जानबूझ के इंक्लूड किया है, सो दैट जो मैंने पढ़ा है वो आपको याद रहे, ठीक है। दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमने बात की थी वो यहाँ पे रहा। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे नौरादेही की, तो इसका मैप ये रहा, और उसके अलावा सरदारपुर का ये रहा, खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन ये है, रातापानी की ये है, और उसके बाद नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन ये रही। तो ये लोकेशंस को आप बार बार देखते रहिए, सो देट आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। उसके अलावा घाटीगांव सेंचुरी, तो जैसे कि घाटीगांव जो सेंचुरी है इसको आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते होंगे, और ये ग्वालियर के पास पड़ती है, ग्वालियर के पास ये रही इसकी लोकेशन, ग्वालियर के पास पड़ती है। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अच्छी खासी पॉपुलेशन है। उसके अलावा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1981 में, और यहाँ पे बहुत वेराइटी ऑफ फ्लोरा देखने को मिलता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, खैर का पेड़, मरजान का पेड़, पलाश का पेड़, सेजा का पेड़, धावाड़ा, रोइंजा, घोटे, बीवाग, धमन, हींस, कटली, तो इतने टाइप के यहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। उसके अलावा अगर हम फौना में और बात करें तो ब्लैक बक, चीतल, मंकी, वुल्फ, ब्लू वुल, और उसके बाद वाइल्ड बोर, फॉक्स और हाइना पाया जाता है। इसका टोटल एरिया जो है वो है 511 किलोमीटर स्क्वायर, 511 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है, 1981 में डिक्लेयर हुआ था। अब बात करते हैं नौरादेही सेंचुरी की। नौरादेही जो सेंचुरी है वो एमपी की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन टर्म्स ऑफ एरिया,
इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये मेनली पड़ती है सागर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे पड़ती है? सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और थोड़ा बहुत ये पार्ट रायसेन डिस्ट्रिक्ट, दमोह डिस्ट्रिक्ट और नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का भी कवर करती है, पर मेन जो इसका पोर्शन है वो सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे ये एक पोटेंशियल साइट है जहाँ पे हम लोग चीता को रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ की अगर कीस्टोन स्पीसीज की बात की जाए तो वो है इंडियन बुल्फ, ठीक है। ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन में पड़ती है, याद रखना। नौरादेही 1975 में डिक्लेयर हुई थी और टोटल एरिया की बात करी जाए तो 1197। वहीं दूसरी तरफ जो दुर्गावती वाला था उसका एरिया कितना था? 24 किलोमीटर स्क्वायर। देख रहे हो कंपेरिजन, तो ये कितना बड़ा है। बस इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ये बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पड़ता है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो ओल्डेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी बोरी रिजर्व फॉरेस्ट है, जो कि स्टेब्लिश किया गया था 1865 में तवारेबर के पास में, तवारेबर के पास में। इसका एरिया है 518 किलोमीटर स्क्वायर और ये पड़ता है सतपुरा रेंज के नदन हिल्स पे। जैसे अगर मान लीजिए ये सतपुरा हिल्स जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्रंट फेसिंग हो गया और ये पीछे वाला, तो ये जो नदन फेसिंग होगा वहां पे ये पड़ता है। और ये इसके अगर हम देखें तो एक तरफ इसके सतपुरा नेशनल पार्क पड़ता है नॉर्थ और ईस्ट वाले पोर्शन में। जैसे मान लो ये बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसके नॉर्थ में और ईस्ट में पड़ता है आपका सतपुरा नेशनल पार्क, और तवा रिवर पड़ती है इसके वेस्ट में, यहां पे तवा रिवर है, और इधर पे हो गए आपके सतपुरा के हिल्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो सेंचुरी है मतलब बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा सतपुरा नेशनल पार्क और जो पंचमढ़ी पंचमढ़ी सेंचुरी है, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट, ठीक है। उसके अलावा जो सेंचुरी है वहां पे आपको देखने को मिलते हैं मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट और बेम्बू फॉरेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है, ये जो पूरी सेंचुरी का जो वेजिटेशन है वो पार्ट है ईस्ट हाईलैंड, ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का, ईस्टर्न हाईलैंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट का। ये एक ट्रांजिशन जोन है फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया। मतलब अगर आपका ये इंडिया है, ये देखिए ये आपका इंडिया है, ठीक है, थोड़ा गंदा समय पे, तो ये वाला वेस्ट, ये ईस्टर्न पोर्शन हो गया और ये वेस्टर्न पोर्शन हो गया, तो एकदम बीचों बीच में पड़ता है, इसीलिए ट्रांजिशन जोन है। कौन कौन सी ट्रीज मिलती है? टीक, धौरा, तेंदू, और उसके अलावा कौन कौन से मैमल्स मिलते हैं? टाइगर, लियोपार्ड, वाइल्ड बोर, मुंचक, देरू, सॉरी डियर, गौर, चीतल डियर और सांबर, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे एनिमल्स मिलते हैं, याद रखना। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बोरी वाला पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है, 518 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है और तवा नदी के पास में पड़ता है, मिक्स्ड बैम्बू मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये लोकेशन बताना भूल गया था, ये देखिए ये रही इसकी लोकेशन, वैसे तो पहले भी बता दिया था पर ये रही इसकी लोकेशन। अब आगे चलते हैं, रातापानी सेंचुरी। जो रातापानी सेंचुरी है तो आर फॉर आर, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, रायसेन भोपाल के पास में है और विंध्या रेंज में आता है। ये जो है भोपाल से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे टीक के फॉरेस्ट मिलते हैं और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है। उसके अलावा जो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये इसी टाइगर रिजर्व के आसपास में पड़ती है। तो रातापानी सेंचुरी में एक और तेंदुओं की मौत, ये एक्चुअली इसलिए लिया है सो देट आपको याद रहे ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अब बात करते हैं खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। ये जो खियोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पड़ती है खनौद तहसील ऑफ देवास डिस्ट्रिक्ट। इतने डिटेल में तो नहीं जाना, बस याद रखना खियोनी देवास। खियोनी लोग बाग दबा के, खैनी होती है ना जो, खैनी, खैनी लोग बाग दबा के खाते हैं, तो इससे याद रखना खियोनी देवास, खियोनी देवास। उसके अलावा ये 132 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है और ये रातापानी टाइगर रिजर्व से भी कनेक्टेड है बाय कॉरिडोर्स। मतलब एक तरफ रातापानी होगा और एक तरफ आपका खियोनी हो गया, तो कॉरिडोर से ये कनेक्टेड है। उसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, जहाँ पे टीक, तेंदू और बैम्बू मिलता है। यहाँ पे टाइगर्स की प्रेजेंस है। उसके अलावा जो टाइगर की प्रेजेंस क्यों है? क्योंकि रातापानी से जुड़ा हुआ है, तो रातापानी के टाइगर ही यहाँ पे आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लियोपार्ड्स भी काफी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और अगर हम कार्निवोर्स की बात करें, जो कि मांस खाते हैं ऐसे जानवर, तो वो जंगल कैट है, जैकाल है और हाइना है। हर्बीवोर स्पीशीज की बात करें तो नीलगाय, ब्लैक बग, चिंकारा, चीतल। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ रेयरली साइटेड एनिमल्स की, तो है ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा अगर एक बर्ड सर्वे हुआ था अप्रैल 2018 में, तो उसमें क्या हुआ था, जो 32 पार्टिसिपेंट थे, मतलब जो बर्ड सर्वे हुआ था उसमें से 32 जो बर्ड थी वो यहां से
बिलोंग करती थी, मतलब इंदौर, देवास, उज्जैन, भोपाल और क्योनी। और क्योनी में कम से कम 125 बर्ड पाई जाती है, टाइप की बर्ड्स पाई जाती हैं, ठीक है। और इंक्लूडिंग जो एमपी की, जो क्या कहते हैं, जो एमपी की स्टेट बर्ड है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, वो भी यहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा और भी कुछ बर्ड्स जिनके नाम जानना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो लेक्चर था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे और जितनी भी इंपॉर्टेंट सेंचुरीज हैं वो मैंने सारी कवर कर ली हैं। अब हम बात करेंगे प्रिलिम्स के लिहाज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये जो प्रिलिम कैप्स्यूल है ये लेक्चर 8 और लेक्चर 9 का एक साथ है। जैसे एमपी में टोटल 11 नेशनल पार्क, अभी 11 नहीं है वैसे तो, टोटल 9 है और 2 प्रपोज्ड है, ठीक है। तो जिसमें से 2 प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आते हैं और कम से कम 31 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। जो चीतल की बात करें तो जो चीतल है वो सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कॉमनली फाउंड क्या कहते हैं एनिमल है इन दी नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी। तो अगर ये पूछा जाए एमपी में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पाया जाता है, आप बोल देना चीतल, ठीक है। उसके अलावा जो फर्स्ट सोलर पार्क बनाया गया था इंडिया का वो कहां पे बनाया गया था, गणेशपुर राजगढ़ में। कहां पे, गणेशपुर राज गढ़ में बनाया गया था इंडिया का सबसे पहला सोलर पार्क। इंडिया की जो सबसे छोटी बर्ड है, स्मॉलेस्ट बर्ड, फुल चूकी और टॉलेस्ट बर्ड सरस, ये दोनों की दोनों एमपी में पाई जाती है, सबसे छोटी भी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी कौन सी है, फुल चूकी, और सबसे बड़ी कौन सी है, सरस। इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो कि कान्हा किसली, वो एमपी का ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका एरिया 940 स्क्वायर किलोमीटर। एमपी का जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है उसका नाम है फॉसिल पार्क और एरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। एमपी का जो सबसे पहला फॉसिल पार्क है वो है डिंडोरी। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क और सेंचुरी कहाँ पे पाए जाते हैं, एमपी में, याद रखना। कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। उसके अलावा ये सेंचुरी जो है, कान्हा जो रीजन है वो सेंचुरी बन गया था 1933 में और नेशनल पार्क बन गया था 1955 में। उसके अलावा जो कान्हा है वहां पे एक पार्क इंटरप्रिटेशन स्कीम को भी स्टार्ट किया गया है विद द अमेरिकास नेशनल पार्क सर्विस, याद रखना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि वेयर इन विच नेशनल पार्क दिस कान्हा इंटरप्रिटेशन स्कीम इज स्टार्टेड, तो याद रखना कान्हा में, और यह स्टेट भी पूछे तो एमपी में। जो पेंच नेशनल पार्क है उसका नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, याद रखना, ये हमारी प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी जो है वो एक टाइगर स्टेट के तौर पे भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन काफी अच्छी है। ऑल इंडिया टाइगर असेसमेंट रिपोर्ट के हिसाब से एमपी की जो टाइगर पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो ये थर्ड नंबर पे आता है विद 308 टाइगर। अब देखिए हर 4 साल में टाइगर असेसमेंट होता है, तो अब तो 2018 में नया डेटा आ गया होगा, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। एमपी की अभी जो पोजीशन है वो थर्ड है, पहले नंबर पे था कर्नाटका 2014 में और उत्तराखंड दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले कर्नाटका, फिर यूके यानी उत्तराखंड और फिर एमपी। आगे चलते हैं। एमपी की जो सबसे बड़ी सेंचुरी है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नौरादेही, जो कि सागर में पड़ती है। उसके अलावा स्मॉलेस्ट सेंचुरी जो है वो है रला मंडला। कौन सी है, रला मंडल, जो कि कहां पे पड़ती है, इंदौर में, याद रखना इंदौर में। उसके अलावा ओनली स्नेक पार्क जो एमपी का है वो कहां पे है, भोपाल में। रेप्टाइल पार्क कहां पे पड़ता है एमपी का, वो पन्ना में पड़ता है। भोपाल वन विहार नेशनल पार्क जो है वो यूनिक नेशनल पार्क है जो कि फॉलो किया जाता है या फिर कंजर्व किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न जू। कान्हा किसली जो है वो एमपी का ओनली नेशनल पार्क है जहां पे हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा पाया जाता है, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन एमपी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा कहां पाया जाता है, तो याद रखना कान्हा किसली, और ये एमपी का ओनली नेशनल पार्क है जहां पे ये स्पीसीज पाई जाती है। कान्हा किसली नेशनल पार्क में क्या कहते हैं, हेलो घाटी और बंजर घाटी, ये दोनों चीजें लोकेटेड है, हेलो घाटी और बंजर घाटी, ये दो लोकेशंस है। कान्हा किसली में ट्रेनिंग दी जाती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की। उसके अलावा व्हाइट टाइगर सफारी जो है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और रीवा डिस्ट्रिक्ट में कौन से एरिया में, मुकुंदपुर में। उसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर के जो फाउंडर है गैनी मैनफोर्ड, ठीक है, वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट टाइगर का, जो टाइगर की गिरती हुई पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था, तो उसके जो फाउंडर है उनका नाम क्या है, गैनी मैनफोर्ड, ठीक है, गैनी मैनफोर्ड, ये वर्ल्ड में फादर ऑफ टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पे जाने जाते हैं। और इंडिया में इन्हीं का जो इंडिया में जो प्रोजेक्ट टाइगर के फाउंडर है उनका नाम है कैलाश संकालिया, ठीक है, कैलाश शंखालिया, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर एमपी में वो सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था कान्हा नेशनल पार्क से, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो एमपी में कहां से स्टार्ट हुआ था, कान्हा नेशनल पार्क से, जो कि एमपी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी का सबसे ज्यादा डेंसेस्ट पार्क है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइगर, मतलब हर 8 स्क्वायर किलोमीटर में आप एक टाइगर देख सकते हो। तो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड टाइगर रिजर्व कौन सा है, बंधवगढ़ वाला। बंधवगढ़ नेशनल पार्क व्हाइट टाइगर्स के लिए भी फेमस है, और जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है वो भी व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क में 32 हिल्स है,
ठीक है, कितने 32 हिल्स है। अच्छा अब आगे चलते हैं, जो रातापानी सेंचुरी है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में इंक्लूड हो चुकी है, प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो भी एमपी में चलाए जा रहे हैं। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे ही प्रोजेक्ट एलिफेंट है और वैसे ही प्रोजेक्ट हंगुल, और ये सारे एमपी में चलाए जा रहे हैं। माधवगढ़ जो नेशनल पार्क है, अब माधवगढ़ तो ये माधवराव सिंधिया से याद रखना, वो कहां से लड़ते हैं माधवराव सिंधिया, शिवपुरी से, तो ये शिवपुरी में पाया जाता है। और यहाँ पे जॉर्ज कैसल भी देखने को मिलता है, जॉर्ज कैसल है यहाँ पे, जॉर्ज महल है, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा ब्लैक बक पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के सबसे बात की जाए तो टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था इन एवरी टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट, इन एवरी टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट सिंस दिस, ठीक है। 1 नवंबर 1981 में एमपी गवर्नमेंट ने बारहसिंगा डियर को स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया था। बारहसिंगा वहां का स्टेट एनिमल कौन सा है, बारहसिंगा, और जो स्टेट बर्ड है वो दूधराज, दूधराज का इंग्लिश में नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। अभी लेक्चर के दौरान मैंने आपको बताया था पैराडाइज फ्लाई कैचर किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, प्लीज आप इसका जवाब दीजिए कहां पे पाई जाती है, ठीक है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ खरमोर बर्ड दो सेंचुरीज डिक्लेयर की गई थी, एक है सरदारपुर जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और एक है सैलाना जो रतलाम में पड़ती है। सरदारपुर तो वो धार, सरदार धार, धार है तो धार, ठीक है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ सोन बर्ड, सोन बर्ड को कंजर्व करने के लिए दो सेंचुरीज डिक्लेयर की गई हैं, एक है करेरा जो शिवपुरी में पड़ता है, करेरा बर्ड सेंचुरी, और एक है घाटी गांव जी फॉर जी यानी ग्वालियर में पड़ती है। एलिगेटर के कंजर्वेशन के लिए जिसको घड़ियाल भी कहते हैं तीन सेंचुरीज डिक्लेयर की गई हैं, एक चंबल, दूसरी कैन, तीसरी सोन। चंबल सेंचुरी पड़ती है मुरैना में, कैन पड़ती है छतरपुर में, और उसके बाद सोन पड़ती है शहडोल में, ठीक है। सोन को ऐसे याद रख लेना, सोन सेंचुरी कहां पे होगी, सन होता है तो ढोल बजाते हो ना, तो शहडोल। फॉर कंजर्वेशन ऑफ बल्चर के लिए प्रोजेक्ट सर्वाइवल चलाया गया था, तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है पहले में, प्रोजेक्ट सर्वाइवल किसके लिए है, तो याद रखना बल्चर कंजर्वेशन के लिए। उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट सर्वाइवल है वो कहां से स्टार्ट किया गया था, गांधी सागर सेंचुरी से, जो कि नीमूच और मंदसौर के बीच में पड़ता है, राइट, गुजरात के पास, याद रखना। और उसके बाद जो स्टेट बर्ड दूधराज है उसको कंजर्वेशन के लिए सरदारपुर सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी, ठीक है, सरदारपुर सेंचुरी। उसके अलावा पंचमढ़ी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था सेंट्रल फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, तो यानी एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये एमपी का पहला और कंट्री का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, टोटल 18, तो ये एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व और कंट्री का 10वां। संजय सेंचुरी का पुराना नाम है धुबरी सेंचुरी, तो इसीलिए इसको इसको हम आज के टाइम पे ऐसे बोलते हैं, संजय धुबरी सेंचुरी। एशियन टाइगर, ऐसी बात की गई थी कि जो एशियन टाइगर है उनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा गिर नेशनल पार्क से कूनो पालमपुर सेंचुरी में। जो कूनो पालमपुर सेंचुरी है ना वो मुरैना में है, ये अभी पिछले 1-2 साल पहले की ही बात है जब ये बात चल रही थी कि एशियन टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया जाएगा गिर नेशनल पार्क में। उसके अलावा ऐसी भी बात की गई है जो पन्ना की सेंचुरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको नेशनल पार्क के तौर पे डिक्लेयर किया जाएगा और वहां पे फिर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड बफेलो का कंजर्वेशन किया जाएगा। उसके अलावा ये भी एक और बात की गई थी कि कान्हा किसली नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क को फॉरेस्ट कॉरिडोर स्कीम के तहत कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सिरपुर जो लेक है इंदौर में वो बर्ड सेंचुरी के तौर पे आज के टाइम पे डेवलप हो गई है, डेवलप कर दिया गया है, कब, 2012 में। कौन सी, सिरपुर लेक, ये कहां पे है, इंदौर में है, ये एक बर्ड सेंचुरी के तौर पे डिक्लेयर हो गई है 2012 में। तो दोस्तों ये मैंने जितनी भी आपको सेंचुरीज वगैरह बताई उसी के साथ ये सेंचुरी वाला आपका लेक्चर खत्म होता है, लेकिन इस मैप में आप एक बार फिर से देख लो सो देट आपके दिमाग में बैठ जाए, नेशनल चंबल सेंचुरी, घाटीगांव, पालपुर कूनो, करेरा सेंचुरी, माधवपुर सेंचुरी, उसके अलावा गांधी सागर, सैलाना, सरदारपुर, रला मंडल, उसके बाद खिवनी सेंचुरी, फिर नरसिंहगढ़ सेंचुरी, है ना, ये रला मंडल क्या है, सबसे छोटी सेंचुरी है, नौरादही सबसे लार्जेस्ट सेंचुरी है, पीरांगना दुर्गापति 24 स्क्वायर किलोमीटर जबलपुर में है ये, सोन घड़ियाल सेंचुरी घड़ियाल की कंजर्वेशन के लिए आई थी, ठीक है, संजय धुबरी का पुराना नाम वो धुबरी वाली जो हमने बात की थी, फोसिल जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है यहाँ का, ठीक है। उसके अलावा आपका कान्हा जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एमपी का, फिर उसके बाद पेंच नेशनल पार्क का दूसरा नाम प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी है। उसके अलावा यहाँ पे हो गया आपका बोरी सेंचुरी जो तीन चीजों को मिला के बनता है, पंचमढ़ी वाला, सतपुरा और बोरी को मिला के ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। फिर उसके बाद जो बंधवगढ़ है वहां पे व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, राइट, व्हाइट टाइगर, और ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है भाई टाइगर्स।
उसके अलावा और क्या चीज है? हाँ, ये केन घड़ियाल वाला हो गया आपको, और ये पन्ना नेशनल पार्क हो गया। तो दोस्तों ये हो गया आपके सारे चीजें। अब दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त हो गया। इस लेक्चर के दौरान दोस्तों मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो मैंने इन बुक से रेफर करके एंड ऑफकोर्स इंटरनेट की मदद से कुछ फोटोज लिए हैं और कुछ डेटा लिया है। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इन सबको रेफर कर। तो दोस्तों इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर काफी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और आपने इसको काफी इंजॉय भी किया होगा। दोस्तों अगर ये आज का लेक्चर आपको आपकी प्रिपरेशन में मदद करता है और आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी लाइक बटन दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको कोई मुझे सजेशन देने हो या कोई डाउट पूछना हो तो या तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे पता चल जाएगा आपके डाउट्स के बारे में, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं street01990@gmail.com पे। उसके अलावा दोस्तों अगर आप इतने काम के अगर ये जो काम के वीडियोज हैं, अगर आपको लगता है ये काम के वीडियोज हैं और आप इनको मिस नहीं करना चाहते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आए वीडियोस के जैसे ही मैं अपलोड करता हूं तुरंत, तो आप बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। उसके अलावा दोस्तों प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट वो भी इन वीडियोस से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है, सो डोंट यू नो डोंट हेजिटेट टू शेयर दीज वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।